दोस्तों हमेशा की तरह चार पांच और बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं। प्रत्येक अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी छात्रों के लिए, चाहे आप किसी भी ईयर में हो, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बड़ी अपडेट, चार पाँच यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट एक साथ है। तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं आती है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपकी यूनिवर्सिटी भी ऐड हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय से कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा स्नातक 2021 में दिनांक 27/8/2021 को आयोजित होने वाली बीए व बीएससी की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। यानी जो 27 तारीख को होनी थी वो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और नवीन तिथि भी आ चुकी है, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर केमिस्ट्री का एग्जाम 28/8/2021 को होगा, बीए पार्ट थर्ड ईयर का आप देख सकते हैं 9/9/2021 को होगा, और बीए पार्ट थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का होगा आप देख सकते हैं 9/9/2021। तो ये पहली बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से ये आपको ऑफिशियल नोटिस आया है, और इसमें क्या कहा गया है कि यूजी और पीजी प्रवेश फॉर्म की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कृपया जो भी वंचित रहे छात्र जल्दी से अपना फॉर्म भर दें। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधि महाविद्यालय में 31 अक्टूबर तक होंगे प्रवेश, 1 नवंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। प्रदेश के विधि कॉलेजों की समानता कार्य हुआ तेज, 20 नवंबर तक महाविद्यालय द्वारा छात्रों का ब्यौरा करवाया जाएगा। अब प्रवेश पाने के लिए सभी छात्रों का ब्यौरा विश्वविद्यालय को करवाना होगा उपलब्ध, 15 BA LLB महाविद्यालयों को समानता के आदेश। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट की ओर। जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी अपडेट हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से आ रही है। क्या है देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कंसेप्ट में, बोर्ड में, जेई नीट में, तो घबराएं नहीं, आ गया है फिलो ऐप, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड्स में अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं विद इन 3 इजी स्टेप्स। करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर फिलो सर्च करना है। फिलो सर्च करने के बाद फिलो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप अपने क्वेश्चन की फोटो या फिर क्वेश्चन टाइप करके आप सबमिट कर दीजिए। फिलो आपकी कॉल एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 25/8/2021 को ये रात को नोटिस आया था और आप तक मैं सुबह शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, LLB प्रथम द्वितीय व तृतीय, MLM प्रथम व द्वितीय, PG डिप्लोमा सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध स्नातक द्वितीय वर्ष जो सेकेंड ईयर में है उनकी भी की प्रायोगिक परीक्षा 2021 को आयोजित करवाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के संलग्न पत्र के अनुसार देखिए दोस्तों, ये आपका टाइम टेबल वगैरह जारी कर दिया गया है, किस प्रकार आपको चीज़ें करनी है। पूरा ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं, दिनांक 1/9/2021 से 13/9/2021 के मध्य तथा स्नातक द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 14/9/2021 से 25/9/2021 के मध्य आयोजित की जानी है। आपके महाविद्यालय से नियुक्त बाह्य शिक्षकों का पैनल महाविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पूरा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको अपडेट मैंने साझा कर दी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट की ओर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, BSc अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में BSc अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। प्राचार्य डॉक्टर संतोष जैन ने बताया कि वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा 27 अगस्त को, प्राणी शास्त्र और भौतिक शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षाएं 28 अगस्त, और रसायन शास्त्र जीव विज्ञान ग्रुप की प्रायोगिक परीक्षा 31 अगस्त को होगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, JNVU से ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये आज का ही नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।